Greetings everyone. Today we are going to start our exercise 4.3. Subtract and check. बेटा इसमें हमें subtract भी करना है और उसकी checking भी करनी है. Checking हम किस तरीके से करते हैं? To check the subtraction. यानी हमने जो minus किया है उसको check करने के लिए add the difference of two numbers to the subtrand to get minuend. अब बेटा जो ये टर्म यूज हुई है इसमें किसको क्या कहते हैं आप ये देखेंगे. सबसे पहले जो हमारी बड़ी डिजिट है बड़ा नंबर है उसको हम कहते हैं मिनुएंड. और जिसको हम माइनस करते हैं उसको कहते हैं सबट्रेंड. और जो हमारा आंसर आता है इसको हम कहते हैं डिफरेंस. अब इसमें हमें ये कहा है टू चेक द सब्ट्रैक्शन ऐड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर. यानी इन दो नंबर्स के डिफरेंस को ऐड करना है. किसमें? टू द सब्ट्रेंड. इसके सब्ट्रेंड में ऐड करना है टू गेट मिनुएंड. इसको निकालने के लिए हमें इसको और इसको प्लस करना है. आप देखिए पहले हम माइनस करते हैं उसके बाद हम इसको चेक करेंगे. 9 - 6 = 3, 7 - 4 = 3, 8 - 3 = 5, 6 - 2 = 4. अब ये हमने माइनस तो कर दिया. अब हम ये चेक करेंगे अपने आप से क्या ये हमारी जो सब्ट्रैक्ट का आंसर आया है जो हमारा डिफरेंस आया है वो सही है या नहीं. हम इसके लिए चेकिंग करेंगे. चेकिंग करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा चेकिंग. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप डिफरेंस लिखोगे. डिफरेंस इज 4 - 5 = 3 - 3. हमने डिफरेंस लिखा प्लस सबट्रेंड. अब जो हमारा सबट्रेंड है यानी इसके डिफरेंस के ऊपर वाली नंबर हमने इसको लिखना है. यहाँ प्लस का साइन लगाना है हमें और प्लस करना है. 6 + 3 = 9, 3 + 4 = 7, 5 + 3 = 8, 4 + 2 = 6. अब बेटा ये देखो हमारा ये मिनुएंड आ गया. मिनुएंड ये कितना आया 6879. और यहाँ पे भी हमारा क्या है 6879. अगर हमारा ये दोनों सेम आ रहा है तो हम ये कहेंगे आवर सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट. यानी हमारी ये माइनस सही है. फिर से देख लें एक बार हमने क्या करना है. आपको क्वेश्चन दिया है सब्ट्रैक्ट 2346 फ्रॉम 6879 एंड चेक योर आंसर. अब हमने इस बड़े नंबर को फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ऊपर लिखा जिसको हम कहते हैं मिनुएंड. हमने फ्रॉम से पहले वाले नंबर को नीचे लिखा जिसको हम कहते हैं सबट्रेंड. हमने इसको माइनस किया हमारा आया डिफरेंस. अपना आंसर चेक करने के लिए हमने क्या किया डिफरेंस प्लस सबट्रेंड. हमने इन दोनों को प्लस कर देना है. आप यहाँ साइन भी ऐसे लगा सकते हैं. हमने इनको प्लस करना है. हमने यहाँ पर डिफरेंस लिखा फिर सबट्रेंड लिखा इन दोनों को प्लस किया हमारा आ गया मिनुएंड. अब हमारा आंसर कौन सा है बेटा. आंसर हमारा है 4533. अब से नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर. हमें 8874 में से 3210 को माइनस करना है. हमने सिंपल माइनस कर दिया. 4 - 0 = 4, 7 - 1 = 6, 8 - 2 = 6, 8 - 3 = 5. अब हमने चेकिंग कैसे करनी है. हमें डिफरेंस और इससे ऊपर वाली डिजिट को हमें इन दोनों को प्लस कर देना है. तो हमने पहले 5664 लिखा फिर 3210 लिखा और हमने इसको प्लस किया. 4 + 0 = 4, 6 + 1 = 7, 6 + 2 = 8, 5 + 3 = 8. अब हमारा ये दोनों सेम आया तो इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अब हमें 9324 में से 6728 माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है. 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता बेटा. ये इससे बोरो लेगा 14, 14 - 8 = 6. यहाँ रह गया 1, 1 में से 2 नहीं जा सकता. ये इससे बोरो करेगा. यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गए 9. फिर यहाँ रह गया 2, इसने इससे बोरो लिया 12, 12 में से 7 गए 5. फिर यहाँ पर 8 - 6 = 2. अब हम इसकी चेकिंग करेंगे. हमने लिया आंसर प्लस उससे ऊपर वाली नंबर और इन दोनों को प्लस किया. 6 और 8 = 14, 1 कैरी, 9 और 2 = 11 और 1 = 12, 1 कैरी, 5 और 7 = 12, 12 और 1 = 13, 1 कैरी, 6 और 2 = 8, 8 और 1 = 9.
सेम बेटा सी पार्ट और डी पार्ट इसी तरह करना है. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर. 4875 फ्रॉम 6987. अब आपने बेटा इसमें बिगर नंबर को हमने पहले लिख लिया, फिर स्मॉलर नंबर को लिखा, हमने इसमें माइनस किया और फिर हमने लास्ट की टू डिजिट को प्लस कर दिया. अब हमारा ये डिजिट यानी ये नंबर 6987 और 6987 सेम आ रहा है, तो हम ये कहेंगे हमारा आंसर 2112 करेक्ट है. हमारा आंसर हमेशा माइनस के नीचे वाला होगा. सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 6097 फ्रॉम 7518. आपने इसको लिखना है पहले बिगर नंबर को, फिर स्मॉलर नंबर को लिखा, फिर हमने माइनस किया. आप बेटा सीखने के लिए आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हैं. जब हम चेकिंग करेंगे, आपने माइनस कर लिया, चेकिंग करेंगे तो आप ऐसे करके लगाइए, इसका ब्रैकेट बनाइए और प्लस का साइन लगाइए. इसका मतलब हमें डिफरेंस और सबट्रेंड को प्लस करना है और फिर उसके बाद हमारा ये दोनों सेम आना चाहिए. अब हमने इसको माइनस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया, तो 7518 हमारा सेम नंबर आ गया. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट 4754 फ्रॉम 6923. अब 6923 को ऊपर लिखा हमने, 7554 को नीचे. 13 माइनस 4 9, 11 माइनस 5 6, 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 4 2. फिर हमने इन दोनों को प्लस कर देना है और ये हमारा सेम आना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3186 फ्रॉम 4521. अब 1 में से 6 नहीं जा सकता, बोरो लिया, 11 माइनस 6 5, यहाँ रह गया 1, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, ये से बोरो लेगा, 11 माइनस 8 3, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गए 3 और 4 माइनस 3 1. अब हम सेम करेंगे, यहाँ पे हम अपना ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन लगाएंगे. हमने पहले आंसर लिखना है, फिर उससे ऊपर वाला नंबर लिखना है, इन दोनों को प्लस करेंगे. यहाँ आपका माइनस आएगा, यहाँ आपका प्लस आएगा. 5 और 6 11, 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 3 और 1 4. अब आपका आंसर कौन सा होगा बेटा? ये वाला आंसर नहीं होगा. आंसर हमारा क्या होगा? 1335. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.